ओके सो हाय गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस, मेरा नाम है करण एंड आज की इस नए वीडियो में मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं गाइस कुछ इस टाइप की न्यू फोटो एडिटिंग। एंड गाइस, इस फोटो एडिटिंग में हम कुछ बैकग्राउंड पेजेस का यूज करेंगे, जिन सभी का लिंक जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल सकता है, मिल जाएगा। तो आप लोग इजीली वीडियो देखने वाला जगह डाउनलोड कर लेना। एंड गाइस, अगर अभी तक आप सभी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी चले गए आज की इस नए वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस, सबसे पहले तो आप लोगों को इस बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना है, इसका जो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी को दे दिया है। उसके बाद आप सभी को फिर क्या करना है, आप सभी को चले जाना है ऐसे ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस, यहाँ से ऐड करना है आप सभी को अपने मॉडल को। एंड गाइस, मॉडल को ऐड कर लेने के बाद आप सभी को फिर क्या करना है, यहाँ पे गाइस आप लोगों को अपना मॉडल जो है कुछ इस टाइप से जो इतना साइज रखना है अपना मॉडल का, ठीक है। एंड जो गाइस मॉडल का बैकग्राउंड मैंने पहले से इरेज कर रखा था कि आप लोगों को जो टाइम है ज़्यादा वेस्ट ना हो। तो बाकी अब हम क्या करेंगे, इसमें मॉडल का जो एक डुप्लीकेट बनाएंगे यहाँ पे। एंड डुप्लीकेट बनाने के बाद हम उस मॉडल को क्या करेंगे, उस मॉडल को लेकर जाएंगे ऐसे हम इफेक्ट में। इफेक्ट में ले जाने के बाद गाइस, यहाँ से हम ले जाएंगे इसको कलर्स में। कलर्स में ले जाने के बाद हम इसको ब्लैक एंड व्हाइट में ले जाएंगे, एंड इसका अमाउंट जीरो करके ऊपर से मर्ज कर देंगे। देन नेगेटिव वाला फिल्टर लेंगे, इसको भी मर्ज कर देंगे। फिर यहाँ से हम कलराइज में जाके यहाँ से हम येलो कलर ढूंढेंगे इसमें, ठीक है। तो अराउंड आपको यहाँ पे 53 या 58 पे मिल जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपको यहाँ से क्या करना है, आपको ब्लेंडिंग मोड में जाना है। एंड उसके बाद आप लोगों को जो यहाँ पे एक एक फिल्टर को आपको चेंज देखना है, ठीक है, जो आपको बेस्ट लगे। मतलब कि इसमें थोड़ा ग्लोइंग इफेक्ट टाइप का, तो आपको उसको लेना। जैसे कि यहाँ पे गाइस ओवरले जो है मेरे को एकदम बेस्ट लग रहा है, ठीक है, तो आप लोग भी ओवरले रखना। फिर आपको रेजर टूल में जाकर इसको इन्वर्ट कर देना, ब्रश का साइज इंक्रीज करके आपको साइड में जो एक रिमलाइट क्रिएट करनी है। एंड गाइस, इसमें आप लोगों को अगर अच्छे से नहीं समझ आ रहा होगा तो मैंने इसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो भी बना रखी है, तो आप लोग जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी उस वीडियो को वॉच कर लेना। आप उसमें इजीली समझ आ जाएगा कि आपको रिमलाइट कैसे क्रिएट करनी चाहिए एंड किस तरीके से बनानी चाहिए, ठीक है। तो आप देख लेना उस वीडियो को। बाकी गाइस, इसके बाद आपसे फिर करना, अगर इसकी ओपेसिटी आपको कम लगे तो आप इसको जो है ओपेसिटी कम कर लेना, अगर मतलब कि ज़्यादा लगे तो कम कर लेना, और कम लगे तो आप इसका डुप्लीकेट करके और बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद आप सबको ऐड फोटो में जाना है, एंड नीचे से आपको जो है मतलब कि एक स्मोक का पीएनजी ऐड करना है नीचे के लिए। आपको इसको नीचे की साइड में ऐसे ले जाकर रख देना है। एंड इतना हो जाने के बाद आप लोगों को फिर सिंपली क्या करना है, आप लोगों को जहाँ पे फोटो को डन कर देना है। एंड उसके बाद यहाँ पे हमारा पिक्सल का काम खत्म हो जाता है, तो अभी हम इसको सेव करके लेके चलते हैं लाइट रूम ऐप में। तो अभी हम इसको सेव कर लेते हैं, एंड अब ओपन कर लेते हैं वैसे लाइट रूम ऐप, ठीक है। तो लाइट रूम ऐप में तो हम भाई फोटो को पहले से ऐड करके रखते हैं, ठीक है, ताकि जो आप लोगों को ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें हम। तो इसलिए हम इस लाइट वाले ऑप्शन में जाएंगे, पहले इसका कॉन्ट्रास्ट इंक्रीज करेंगे एंड जो हाईलाइट है इसको कम करेंगे, ठीक है। एंड उसके बाद जो शेडो है इसको इंक्रीज कर देंगे थोड़ा सा, एंड जो ब्लैक है इसको हम कम कर देंगे, एंड व्हाइट को भी यहाँ पे कम कर देंगे। फिर जाएंगे हम कलर्स में, वाइब्रेशन को बढ़ा देंगे, फिर उसके बाद थोड़ा सा टेम्परेचर भी माइनस कर देंगे। फिर मिक्स में जाएंगे एंड ऑरेंज कलर लेंगे, इसका ल्यूमिनस हम बढ़ाएंगे पहले, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से क्या करेंगे, हम यहाँ से येलो कलर लेंगे, एंड येलो कलर लेके इसका ह्यू माइनस कर देंगे, सैचुरेशन प्लस कर देंगे। और उसके बाद यहाँ से लेंगे डार्क ब्लू, आपको उसको फिर इसका सैचुरेशन माइनस कर देना है। फिर उसके बाद कर देना है डन। एंड उसके बाद चले जाना है ऐसे नीचे वाले टूल में, फोटो की आपको पहले यहाँ पे क्लियरिटी इंक्रीज़ कर देनी है, फोटो में आपको विग्नेट भी डाल देना है। एंड उसके बाद नीचे आपको मिलेगा यहाँ पे ग्रेन अमाउंट, आपको चाहो तो बढ़ा सकते हो। फिर नीचे वाला टूल में जाकर आपको शार्पनेस बढ़ाना है, नोड रिडक्शन बढ़ा देना है, कलर नोड रिडक्शन भी बढ़ा देना है। तो फाइनली हमारी फोटो जहाँ पे कंप्लीट एडिट हो चुकी है। तो आशा करता हूँ आप सभी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी चले मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।